डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या कहा था कि खून क्या हो गया है? खून दौरा नहीं करता, मतलब वो जाम हो गया, जम गया है। जैसे कई लोगों का खून भरा हो जाता है ना, संगना जिसे बोलते हैं, तो ऐसा हो गया, वो खून दौरा नहीं कर रहा, तो उसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम आ गई, क्या गई अभी, ये सारी प्रॉब्लम आ गई, उसी के कारण उनकी जो टांग है वो काली पड़ गई, उन पर वो फ्लूए जैसे हो गई, ब्लड जो खून है वो जम गया। जिस सिस्टर का नाम निंदर है और जयमालना के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि एक साल हो गया है इनकी लेफ्ट साइड टांग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, जिसके कारण को चलने फिरने में बहुत ही प्रॉब्लम थी, और जे बता रहे हैं कि जैसे जे डॉक्टर के पास गए और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई थी पर इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो डॉक्टर ने इनको कहा था कि आप अपनी टांग का स्कैन करवाएं जो कि 5,000 का होगा, पर इन्होंने स्कैन नहीं कराया, जो मेडिसिन ही खा रहे थे, तो डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम इसलिए सही नहीं हो रही कि आपकी टांग में जो ब्लड इकट्ठा होने के कारण आपको स्वेलिंग हो जाती है, और जो बता रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी तो ब्लड इकट्ठा होने के कारण से बता रहे हैं कि एक टांग इनकी जिसमें दर्द थी लेफ्ट साइड की वो काली भी पड़ जाती थी, और इनको बैठने में भी बहुत ही दर्द होती थी, जब भी ये बैठते थे तो इनसे जल्दी उठा नहीं जाता था, और बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, काम करने में प्रॉब्लम रहती थी, और जो बता रहे कि इन्होंने बहुत ही मेडिसिन खा ली थी पर फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और जो बता रहे कि जब जो सिस्टर 7 मई की मीटिंग में आए थे तो जो घर से प्रार्थना कर आए थे कि परमेश्वर जी आज जो वचन आपके दास के द्वारा आया आज मुझे आप अच्छा कर चुके हो, तो जो बता रहे कि उस दिन सबके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा क्या सबके लिए ले एंड होगी, और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड हुई, अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। और जब बता रहे कि जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए जब प्रार्थना हुई लैंड हुई, तो जो इनकी लेफ्ट साइड टांग में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, स्वेलिंग रहती थी, उस दिन से प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ, अभी बिल्कुल दर्द नहीं होती, स्वेलिंग भी नहीं रहती, अभी जे चल फिर सकते, बैठ भी जाते, इनको खड़े होने में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जे पूरी तरह से फ्री है, अभी जे मेडिसिन भी नहीं खा रहे। हम सब अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने इकलिसिया एक साल की प्रॉब्लम से जो इनके लेफ्ट साइड टांग में दर्द रहती थी, स्वेलिंग हो जाती थी, ब्लड इकट्ठा हो जाता था, बहुत ज्यादा मेडिसिन भी खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे जी अपने घर से प्रार्थना कर आए, परमेश्वर से बोल कर आए, तो उसी दिन ही परमेश्वर के दास का हाथ जब इनके सिर पर आया तो इनकी जो टांग में दर्द रहती थी, स्वेलिंग थी, मेडिसिन खाते थे, आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करके नीचे अपने हाथों को उठाते हैं जोर से। माइक माइक जय मसीह पापा जी। जय मसीह। जब ये आपको प्रॉब्लम थी तो कितनी तकलीफ में थे आप, थोड़ा बताओ मुझे। हाँ जी, बहुत ज्यादा ही पापा जी, बैठा भी नहीं जाता हूँ, चौंकड़ी मार के मेरे को प्रार्थना नहीं होती थी, चौंकड़ी भी नहीं बजती थी, और बैठा भी नहीं जाता था, और चला भी नहीं जाता था। हाँ जी, साल लेके चलती हूँ, साल लेके चलती थी। हाँ जी। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या किया, स्कैन कराओ भी, वो कहते 5,000 दी होगी, जिते अं गए इतने गुरु नानक अस्पताल, कहते होर कि कराओगे कि बहुत ज्यादा पैसे लगने, इतने 5,000 रुपया लगेगा। अच्छा, गुरु नानक हॉस्पिटल में 5,000 लगेंगे, अगर और कहीं जाओगे तो उससे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ जी। अच्छा, फिर अही मुड़के कराई नहीं, मेरे को पैसे मुड़के कराई नहीं, मैं 2,000 की दवाई लियाई है मुड़के काली,
तो बाद मड़के मैं खादी नहीं, फिर मान ही नहीं। पैसों के कारण आपने वो स्कैन नहीं कराई, आप मेडिसिन 2000 की लेकर आ गई, वो खाई पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपके दर्द थी, कोई आराम नहीं था मिल रहा, आप बड़ी तकलीफ में थे, उठने चलने फिरने में बड़ी दिक्कत थी। और अभी आपने ये लिखवाया अपनी गवाही में कि आपकी जो वो टांग है वो काली पड़ गई थी। हाँ जी बाबा जी। उसका कारण क्या हुआ? वो ते पलुए पलुए होन लग गया रे, जिस तरह पलुए हो जाते इस तरह दे, जब मैं ज्यादा इस तरह पलोनी हां। तो उसका कारण ये हो गया कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि खून क्या हो गया है? हाँ जी, वो कहंदे दौरा नहीं करदा। खून दौरा नहीं करता मतलब वो जाम हो गया, जम गया है। हाँ जी। जैसे कई लोगों का खून भरा हो जाता है ना, संगना जैसे बोलते हैं, तो ऐसा हो गया, वो खून दौरा नहीं कर रहा, तो उसके कारण वो काम नहीं कर रहा, ये सारी प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई अभी? ये सारी प्रॉब्लम आ गई, उसी के कारण इनकी जो टांग है वो काली पड़ गई, उन पे वो फ्लूए जैसे हो गए, ब्लड जो खून है वो जम गया। और ये बड़ी कब की प्रॉब्लम है? पिछले साल दी है। अच्छा, इतने लंबे समय से ये आपको प्रॉब्लम थी? हाँ जी। ये ले हैंड कब हुई, कितनी तारीख को इनकी? 7 मई, प्रभु बोस के में। 7 मई को, अभी इसी महीने में हुई जी। और उस दिन आप फिर, पहले कम थी अब ज्यादा बढ़ गई, इसलिए पहले कम थी और अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। पहले आपने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी मेडिसिन खाते ठीक हो जाते होंगे फिर प्रॉब्लम में, हाँ, पर अभी ये प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर आप हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा स्कैन करना पड़ेगा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में 5000 की स्कैन। अगर प्राइवेट में जाते तो फिर पता नहीं 20-25 भी हो सकता था, पर पैसों की वजह के कारण आपने नहीं कराई। आप कितनी मई को ये ले हैं? 7 मई को। फिर आप घर से प्रार्थना करके आई कि परमेश्वर आप मुझे आज छुटकारा दे चुके हो, और उसी दिन सबके लिए ले हैंड हुई और आप आगे आए और ले हैंड हुई, अपने विश्वास से उस ले हैंड को रिसीव किया। और कितने दिन के बाद आप चंगे होंगे? उसी दिन सोच उतरनी शुरू होगी, मतलब आपका पैर फूल सूजन के कारण फूल जाता था ऐसे? हाँ जी। फूला हुआ था? हाँ जी। कितना को फूला हुआ था? काफी। हाँ जी। वो आपके पास कोई पिक नहीं रखी? तो जब भी किसी की ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर हमें नहीं पता, अगर हमें पता तो हम तो ले लेते हैं ऐसे लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए, बोलो क्या, सबूत दिखाने के लिए हम तो ले लेते हैं। पर अगर आपको किसी को भी कुछ ऐसा है तो रखो, ताकि लोगों को पता चले कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते वो जीवित है, सामर्थ्य है, जो काम मनुष्यों से नहीं डॉक्टरों से नहीं वो किससे हो सकता है, बोलो किससे हो सकता है। देखो अभी ये आपके सामने खड़े हैं, आपको नॉर्मल लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल, जब प्रॉब्लम थी इनको पूछकर देखो क्या हालत थी इनके उन दिनों में, इनके दिन कैसे कट रहे थे इन्हें पूछो। कहते ना जिसे दर, हाँ, ऐसे इतनी तकलीफ में ऐसे बैठते थे, नीचे बैठा भी नहीं जाता, अब तो कृपा होगी ना खुदा की पूरी तरह से, हाँ। देखो हमारा परमेश्वर महान, इसलिए जो उसका वचन कहता है बस वो उसको मानो और पूरा करो, बोलो क्या करो, ताकि हमारे जीवन सेफ रहे, सुरक्षित रहे। समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं, हमारे जीवन सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आप प्रभु में ना होते तो पता नहीं कितने हजारों खर्च हो जाने थे, हो सकता अगर बीमारी बिगड़ जाती तो लाखों में भी चले जाते, होता है ऐसे, बोलो क्या है। पर धन्यवाद करो इस बात के लिए कि खुदावंद ने तुम्हें अपने पास बुला लिया है, बोलो क्या कर लिया है, खुदावंद ने अपने पास आपको बुला लिया है। आज कुछ भी हो रहा है तो खुदावंद उस विश्वास के नियम से तुम्हें छुड़ा रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, जैसे इन्हें किया है। अब तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम, अब तो नहीं कोई मेडिसिन खाते हैं? नहीं पापा जी।
कौन सी टांग थी थोड़ा दिखाओ। अच्छा ये वाली थी। अब ऊपर करो थोड़ा सा, ये कि टाइट है थोड़ा। ये काली पड़ गई थी पूरी। अब साफ है बिल्कुल, अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम। ये है जीवित परमेश्वर, तारीफ करो। शिफा तेरे कोले, फता तेरे कोले, 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 यसू साडे रोगां दी, यसू साडे रोगां दी, यसू साडे रोगां दी, यसू साडे रोगां दी, दुआ तेरे कोले। आमीन।